देख चलो मैं तेरे से ब्याह करना चाहूँ, ठीक है। कई साल हो गया अपने नू मिल दे बात कर दे। जब उन्हें नौकरी की जरूरत थी तो कोई नौकराने के एक लेन दे। क्यों बहु का खून अच्छा लागे है? इवाने ही बंदड़ी आई आई जिद की रसोई में बढ़ रही है, बाहर लिगड़न थोड़ी ना दी है। लुगाई कमावे ने अपना धनी का साथ देने खातर कमाया करे, उसने नीचा दिखाने खातर ना। नीचा दिखवाओ है ये। माँ नू तो देख लिया कर के रोज का मेरा ड्यूटी जाना हो है, रोज का तेरा बुआ लिठा के खड़ा होना हो है, और भी बहुत काम होकर मैं वे कर लिया करे। बेटी जिस काम का टेम हो वो ही करिया जा, सवेरे सवेरे बारी कर लूंगा टेम हो। सवेर सवेर को नहीं बुआरी उठते लिगड़ा कर नू को ना के आनी जानिए के पैरा में तो कूड़ार बुआरी आवे, फिर तुम बुआरी काटो तो ने बेरा ने जब घर तक कोई जाता हो जित बुआरी नहीं काटनी चाहिए। अब शगुन हो है की चाहो हो तुम, अपनी नौकरी छोड़ दू। एक आधा काम तू भी कर लिया घर बैठी। अच्छा मतलब इतना रुपया कमाऊ हूँ और नौकरी करूँ और फिर घर का काम भी मैं करूँ तो थम के करोगी? छोरा भी तो लग रहा है नौकरी के करे। छोरा 15,000 रुपये कमाओ है, खुद के लत्या का बजट कौन पाटता? फिर 15,000 कमाऊ तो गणना रुपये तो लेके आना रहा हूँ, हाँ जिसे नौकरी मिली है उसी नौकरी करना रहा हूँ। तन्ना नौकरी बढ़िया मिल रही है, तू बढ़िया कर ले है। बढ़िया नौकरी मिल रही है, बढ़िया खाऊं बढ़िया पहरूं और थम दोनों का भी खर्चा ठान लाग रही हूं। 15,000 में क्या उधर है दूध कर दुकान का है पूरा पाटा है और कि मैं ना पाटा समझ गए? देख ले मासी बात है, हम भी देखे कर दे होंगे के करो मां, घर का काम तो और लुगाई न करना है पड़ा है, बस फर्क इतना हो जाए अगर कोई नौकरी लाग रही हो है तब अपने एक आधा काम टाला कर दे है। तो मैं ना करे बेटी उठ ही ले तैयार हो करण खातर ना पैदा हुई, इतना पढ़ लिख के नौकरी लाग रही हूँ ना माँ, रपी कमान खातर हूँ मैं समझी। रपी कमान खातर से रपी कमाओ है, रिश्ते भी कमा ले ठीक से, इज्जत भी कमा ले, इज्जत भी जरूरी हो है। रपिया आवे ना तो इज्जत और रिश्ते अपना आप आ जाए समझे, इफ हमने देख लो ना चारा ने कमाओ उसमें ना तो थारी इज्जत ना थारे रिश्ते और ना थारी कदर। चप्पल भी मेरे रुपया की पहन रहे हो, खुद के रुपया का की पहन रहे हो चप्पल? हर दड़ी वीर का किसी ने बांडिया हो है नू गया करे, पर तय इसी है 10 रुपये की कोई चीज ला देना उसके 20 बार गुणगान नहीं कर दे तो तेरा पचा कोई वह चीज गाऊंगी है। तो नॉर्मल सी बात है, कमा के ले आऊं चीज लेके दूं तुमने, जरूरत पड़न तो पहले एक एक चीज हाजिर हो इस घर में फिर कहूं भी ना। अर्जू किसी का बार मजदूरी कर लेना तो डांट मार के दिहाड़ी तो ले लिया, दो रोटी खावा सा वही सुख तो ना खान दे। जिसका तुम दिहाड़ी लेने जाओगे ना सब दिन तक गांव में मारेगा समझे, और कती जी काट लेना जीत वे रुपये दिखाओ अच्छा 100-800 फिर आड़े को सी छतरी की छाया बेटी। तो माँ सारी उम्र घर का काम करेगी, अगर मेरा एक लिखा दो काम फालतू कर देगी तो बिजली पड़ा है टिप्पन ती कौन लेके जाती मैं इस मारी लेके जाना है तू तेरी बना के लेके जा हमारी बना के जा। नौकरी छोड़ दू नौकरी छोड़ दू तू पाथन लाग जाऊ था माँ बेटे भीख मांगी हो मैं तुमने रोटी पोपो खुआऊंगी यो चाहते होगे ना। हम तो कोई नहीं कहते तू नौकरी छोड़ दे ठीक से, तू तो कमा ले और लुगाई का ना वैसे वो तो यो ऐसे घर न रह ले, पर ना हमने सोची थी माँ ने सोची थी कि बहु ना नौकरी लगा दिया। अच्छा माँ ने ना सोची घर क्या ने पढ़ा लिखा के ब्याह कराया सर अपना दम पर लागू माँ तो बिना ने के सोचे जा माँ तो नू भी सोचे जा है या घर का काम कर ले पूरा तो कोई होता चौड़े पूरे ना आया करे करना पड़ा करे अपनी किस्मत बनानी पड़ा है। ब्याह होया पाछे ने थने खुद ने हम आके पांव पकड़ दिया ना थी माँ मने नौकरी लगवा दे कह सुन के ने को करे। अच्छा मैं चली दुकान है थरी माँ प्राइम मिनिस्टर है के या कोई बड़ा औहदा पे है जो मने नौकरी लगवाओगी? इसी लगवाना ली थी तो हम क्यों ना लगवाए बेटी जा मैं बिला गिरा सू जा बेटी जाऊ माँ ऐसी मान बनाने की जरूरत ना अपनी मान है समझे आद मरे लो माँ बेटे दोनों जा तो जिद औकात भूल जा अपनी रोज का काम तेरा यो जा करण का बेटा। हाँ माँ क्या खतर छेड़ था माँ मैं कौन छेड़ू था है तेरी जात लेने लग रही वह तेना छेड़न ला रही भी नहीं हर रोज का काम से आओगी जिद करने लग जाएगी जागी जिद करने लग जाएगी बोले कोई मतलब वाली बात से हो तो चल तेरे तेजर तक है हम बाबू की बेइज्जती क्यों कर दी ना बाबू की बेइज्जती करेगी फिर अरे मेरा के बिगड़ा है धोखा लेगी तो मैं माड़ी हो जाएगी माँ माड़ी हो जाए दोनों काम का लागी रहे है ये काम करी जाइए काम मैं तो करूँ मैं मेरे पे जैसा बना ना मैं करूँ पर तू चिंता ना करे बेटा पर ये गलती तेजी करोड़ी है नू देख लिए ठीक से मन्ने के न्यू मेरा था अब नौकरी ला क्या पास है ये सिर में जूत मारेगी इलाज तो मेरे पर गणेश है माँ तू कहने इलाज ही बंद जाए इसका। हाँ तो मान ले मेरी बात एक बार बावली बातें क्यों धनो बेटा लुगाई का मार दिया सब बीत का मार दिया हर जब तेज बोलेगा तो लोग अपना एक सुर का डेंगे नूना बेरा इसके बोल किसे हैं हम तेज बोलेंगे लोग तमाशे देखेंगे और फिर लुगाई मन नहीं कहेंगे इसने बहु अच्छी ना लग
लाग को मैं जाऊँ रोटी माँ तो रोटी बना दी बना ली हर बाबू ने दे दी पर ठीक से रोटी बना रखी बेटा उसने बाजार के वहाँ समोसे टिप्पण तैयार कर रखे तेरा भी सुबह उखा भी दोनों वहाँ ठीक से हाँ उस तो संदीप तक गई थी सला भाई थे कि आज ही फिर समझा जी इतनी बाना है पर वो भी नकता और ऐसे समझ में उनका भी कोई आंदी नुका कर रखे माँ मेरे मामे आ गए अगर भाई तो मेरे खून खून का असर कर रखा बेटा अपनी कौन सुना है अपनी तो कदे राम में सुनाएगा ठीक है हमारे बात सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर देते हैं भाई बेबे राम राम बेबे ठीक से राम राम भाई मैं तो ठीक हूँ तू अचानक कुकर की बात है अचानक के तेरा ससुर का फोन आया था ओ नूला वो साइड देने ही घर ना ये तो चोखा मैंने बाबू आगे जिक्र ना करे ना तो खराब माटी होनी थी किसे तो बताई ना करना किसे तो नहीं और सारा बड़ा रोला तो तेरी भाभी आन की कहती गेली मुस्कुराए टाली है मम घर रहने दे मां मिल आऊंगा ठीक करे भाई और तने बेरा है ये खप्पर बढ़ने हैं नू बता खुद का किम कमाना दमाना बस किसे को ना मेरी कमाई पे कूदे जा है और नू बता ना जब इनका सारा अगत आगे करण लाग रही था घर का काम कुकर कर दूं रोला है तो हबीबे तू अगत आगे करे इनका जागत आगे नहीं करे इनका आंखें हम डीड आ जाए इनका समझ में आ जाए क्या कमाई हो है छोटी तो छोटी चीज की लिस्ट बना के दे देगी डैनती है कि या लेके आनी है पर नू कौन देखा है कि या बहुत दिन रात जाके उत काम करे तो नू सोचे 60,000 रुपये महीना वाला दिन फ्री फंड क्या आवे है जने थोड़ा जाके बैठस को काम में कोनी आड़ा के भी काम करवा ले बेबे बाश दूंगा मैं ताता पानी करके इनका समझ में नहीं आओगी इनमें बने के भाई तू रहने दे मैं एक लिए बतेरी इन बासन ने और फिर एक बात और बताऊं बेरा के करन लाग रहा है तरला जीजा नू कहा है मेरी माँ की वजह से तू नौकरी लग गई है मेरी माँ ने नौकरी लगाई तेरी माँ ने तू क्यों ना लगाया फिर सरकारी नौकरी इसकी माँ लेफ्टिनेंट से या नौकरी लगवा कर सारे ने आपका तो छोरा पड़िया से नू ही मारी मेरी बेबे लाग गई आपकी मन्नत है तो वह उसने लगवा दी सवेर पहले बुआ लिठा के खड़ी हो जाएगी ननू बेरा यार ड्यूटी जा नू कौन देखा अकेले भाई सुख शांति जा ननू सोचे जा चाल दी करा मैं एक्सीडेंट हो जा रिया बिछ जा बेबे तेरे पर तेरी नौकरी पे न बढ़िया धंधा गिर रखा है या तो इनकी चाल दी कोने रोज मार के सोवा तन्ने 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 के बेबे अपना सारा घर न मार के सोवा है इनका बस कौन चलता है ठीक है भाई तू चिंता ना कर इनकी जिंदगी में कौन चालने दूं मैं और फिर उड़ान तंत्र दूर फोन करने चिंता ना करे उसकी भी क्लास लगानी मैंने छोड़ू को नहीं बदले सारे फलूंगे तू मन ना बता बेबे मन ना क्या करना है वो करूंगा भाई इबे तो तने कुछ ना करना टाइम आने पर मैं तने बता दूंगी अपना ठीक से और फिर इबे तू भाभी तब कौन बता क्या रहा होगा ढंग से मैं किम्मे कौन बता क्या मैं मखा मैं बाहू खड़िया खड़िया जाके आऊँ वाय तो कहूँ नहीं तन रखूंगी भी तो वह चचराड़े करेगी कोई आना बढ़िया काम का बहाना लेके फिर बुलाऊंगी फिर इनकी घर आ लांगे चल छोड़ तू ड्यूटी पे जाके हाँ एक काम कर तू जाया मैं एक बार मौसम खड़े खड़े मिल जाऊं उस तभी भी गाना कौन है बाने है वो आ जाएगा तो बट्टे देखूं जो फोन क्या अंतर करा है वो नू तो हो जाएगी अपना पांव ऊपर रहना चाहिए अनु का बुलाया भी था और आया कौन है तुम एक काम कर खेत में जा रहा खेत में मिल ले अरे माँ भी है बेटा भी है तीनों के तीनों ने चीथड़े पाड़न लग जाएंगे चला जा चल तो आए पाछे ने इनकी भी जिंदगी सुधर जाए आज सेवा कराए जोटड़ी बन जाएगी बड़ी ऐसी है भाई मुर्रा नस्ल बिगड़ाई तो मोजे करती है राम राम मौसा राम राम के बात और संदीप ठीक से भाई इनने की सेवा करी जाओ घर ने भी संभाल लिया करो घर में संभाला घर में की दिक्कत है घर में यो घर है दिक्कत है मानस तो पाछे दिक्कत में होंगे ये सारा घर एक इनकी से डांगर हो रही है इसे मानस हो रही है गन्ने कोनी लगते कपड़े ये बेचारी इसने के बेरा इसने के बेरा वो जिसी खड़े उसी बड़े वो आया करे तो बेटा फिर समझा यार जो मैं समझाऊं थमने थार ले समझाने चाहिए बड़े सो पंचायती आदमी पंचायत हम थार बुलाओ से थमने फिर भी थारे ये लखन के बात है घर में चाल दी को नहीं के लखन खुद का छोरा ने समझाओ और बहू ने समझाओ आपकी ने मेरी मौसी ने बेटा सारे ने समझावा छोरा ने भी समझाऊं हूं तेरी मौसी ने भी समझा रखी है पर बेटा नु अर्जुन नौकरी लाग रही है देख नौकरी लाग रही तो कमा के लिया हो भी आपकी बर्थे की नहीं काम आओगे हम तो कोई दिन के मेहमान सा अच्छा हाँ। तुम रोटी कौन खांदे तुम न थारी जरूरत पूरी को नहीं होती है बुढ़ा का तो जवान तो भी ज्यादा खर्चा हो जाए बुढ़ापे में पर खुद ने भी सोचनी चाहिए कि सारा दिन तो काम करे अगर सन आके घर का और करवाओ तारा बेटा न्यू देख मैंने तू अर्जुन समझा रहा था मेरे तीना सही दिन खातिर कौन बुलाया तो माँ मेरी बेबे समझदार है जिब्बे नौकरी लागी जिब्बे बाहर ने नौकरी करे सरकारी नौकरी नहीं कौन मिलती मैं तो थर तो बताना आया सू ईसा छोरा करा खैर ईसा आप हो गए बेटा न्यू है घर में कड़े अच्छी को नहीं आकर के बेरा क्यों उतनी इस घट जा नाट जाओ ना किसने नाट जाओ थारी लाना है
अगे मैं घर में कड़ा ठीक को नहीं है और वो ड्यूटी जाओ तो बुहारी लेके खड़ी हो जाए। नू बताओ को घर तमाने से लिगड़ा है तो उसके गेल गेल उसके पास थोड़ी साफ करा कर पैडा ने वो तो गेल गेल नू सोचा है मर जाए पर नू मरा को नहीं मौसा यह बताई दू हूँ ना तो दुनिया तो बहुत मार के सो है सारे देश ने पर मरिया ना करे। ठीक बात है बेटा चाह पानी पी लो और चल। किसी चाह पानी पी ली थारी चाह पानी मैं तो बताना आया हूँ तड़कन की मैं और कहानी ना हो जाए थर तो पहले बताऊँ ना बेटा देख कोई बात ना मैं समझा दूंगा तेरी मौसी ने भी ने भी कह दूंगा कमा के देना सर तो बहुत गणा है अपना काम कर लिया करो ना 8-9 हज़ार वो बाहर ना नौकरी करे 10-12 हज़ार की घर ना कर उन्हें मिल जाएंगे 8-9 हज़ार रुपया अपने घर का काम की करवा रोटी टुका सारा सीख ले। पहले तो नौकरी ढंकी देखी को नहीं 10-12 हज़ार की नौकरी में ठीक से मेरा बाबू की आँख मिच गई थी और पहली बताऊँ तो मेरा बाबू उनको बेरा पाटिया बेरा पाट जा तो कड़ा कर देगा वो उस बुद्धि अलग से। ठीक से बेटा कोई बात नहीं गलती होगी जमन तेरे कन्फर्म कर दिया और बुला लिया कोई बात ना मारिए गलती भी मैं समझा दूंगा बस कौन बोल रही तेरी मौसी बिरना हाँ समझा दियो तो। ठीक से बेटा तड़कन मैं फिर कि मैं और कदम उठाऊंगा अच्छा को नहीं लगा। ठीक से राम 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 भाई जिसी भाण उस आए भाई दो आंख फालतू उस भलाएं घाट को नहीं कौन देख सरकारी नौकरी लग रही कोई बात कौन नौकरी लगना घमंड थोड़ी करा करें और जितना गुमान करेगी नौकरी का वो तो है नुकसान हो है घर का काम भी करना हो है अच्छा औरत का पहला काम हो भाई चूल्हा चौक का वो करके आप बेशक ड्यूटी पर चली जाओ और वह बूढ़ी लुगाई इसको बराबर में लागी रहे हैं भारी काट दी दिख जाए तो सुहावन है और कि मैं काम करती दिख जाए तो सुहावन बोला तू ताहड़ा लेके चली गई मेरा आगक है तू तो मन नहीं खत्म करना चाहो है कोई पानी का बासन लेके आ जा ये खसमाने बेरा निकट पूरे होंगे और वह भी भगवान से इसा टाइम देखेगी उसे टाइम लिकड़ेगी और न्यू कौन सोचे कि इस टाइम खूंड बाजे है तो टल जा राइड तो बैठ भली आकर पर महाराणी का समझ में को नहीं आवे क्या ना समझ में आओ थी चाले क्यों खैर खोरन लाग रही है क्यों हो गया तेरा हैं मंदिर में दर्शन तो बढ़िया हो गए ना और मैं तो कहूं तू डेली टाइम निकाल लिया कराने खातिर हो रहा है मन ने शांति मिला है शांति तो मिला है पर शांति मेरे दिल ना कोने ठीक से पर मैं एक बात कहना चाहूं तेरा हां देख चलो मैं तेरे से ब्याह करना चाहूं ठीक है कई साल हो गया पिने नु मिल दे बात कर दे पर वो चीज को नहीं ना फील आंदा ना रह जांदा। दीपक इसमें गलती किसकी है तेरी तो है हराज देना इतना दाऊँ बेरा है मैंने तो 2-2.5 साल पहले भी तेरे से ये बात कह दी थी अगना मेरे घर क्या ना आठ ना मन ना आठ सब कुछ बात करने वाली मैं हूँ पर तू भी तो आगे बढ़ है। देख चलो उस टाइम पर मैं मेरे बाप माँ बाप का देखूँगा मेरे बाप की इज्जत का देखूँगा पर मेरा बाप तो कहूँ हूँ तो मेरा बाप भी कहा है मैं भी कई बातों में गलत था भाई तू तेरे मन माओ ने वह चीज़ कर बाबू भी आंख रही से जरूरी को नहीं होता अग बालक जो फैसले ले हमेशा वही गलत हो कदे कदे है ना बटे छोटे के फैसले भी गलत हो जाया करें। वही गलती मैं सुधारना चाहूँ कि वह मेरे पर पहला गलती वाली थी पर आज गलती ना करना चाहूँ मैं तेरे ब्याह करना चाहूँ तो आज कर सके मेरे लिए ब्याह। दीपक नु क्या करें देर आए दुरुस्त आए चलो तेरा बुद्धि में ब्याह बात बढ़ गई ने पर एक बात है कि यो डिसीजन ही लेवांगे ने तो प्रॉब्लम कई फेस करनी पड़ेंगी अपन क्या था तेरा मन ना करता ब्याह करना पागल है तू इसी बात क्या तक है इसी बात बोलने लग रही है सुन तेरा माँ बाबू हम उन्हें बुला ले हम मंदिर में ब्याह कर लेंगे अभी ठीक से पर तड़के ही सान आओ आज मैं ये फैसला ले लूँ और तड़के तू ही पीछे कदम कर जा बावड़ी वरी सके मैं पीछे को नटू तेरा हाथ पकड़ लिया ने जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा ठीक से चला सुन तेरी मम्मी यार पापा दर फोन कर दे और तेरा भाई दर कर दे वो भी आ जाएंगे मंदिर में ठीक है इतना ज्ञान मैंने कर दूंगी चाल सोची थी छोरा होगा समझा के चले जाएगा और क्या ना अगला समझ में तो नहीं जिसी बुद्धि हो उसी बात करेगा आगी हाँ ने के प्रदेश समझा रही थी यो ये डाक के तीन पत्ते तू क्या खतर मुंडा मुँह कर रहा है मुंडा मुँह के गुरु था चौधरी खतर फोन कर रहा था मखाया जाएगा और बुढ़िया समझाया जाएगा पर क्या ना वो टींगरा आया है 2 चंदे बाद आपकी बेबे थे 10 सुना के गया हूँ फिर यह बात तो मैं कहूँ थी दीपक ने भाई वो अपनी बेबे का नहीं बोल लगा तू क्या खातर फोन फान करेगी शेख दौरा फोन भी मन नहीं कराया था मैंने फोन करके बुलाया था मैं कहा भाई तेरे बाबू ने भेज दे पर यह रोज़ की घर कड़ा है ना घर में अच्छी बनी हो फिर बंद वाली गठड़ी के बंद वाली हो तो दोनों शेर पर बोझ ढकी जाना बोला मेरी बेबन की मैं कहने की जरूरत मेरी बेबे समझदार है उसकी कमाई खाना लाए थे सारे मारी कड़ा हिम्मत से उसकी बेबे ने कि मैं कह दिया एक के बात रहेगी तो गोली खा पी के मर जाए तो बढ़िया है पंडा छूट जाएगा फिर ये छोरा का कौन धनी है इसे बात का नहीं देखा है ना यह कि उम्र काम करने की है
औलाद हो ना औलाद, माँ बाप की कमजोरी हो है, अरे हमारी कमजोरी है, हम इसका कमजोरी होनी चाहिए। पहला नहीं सोची कि अकानी नहीं उबड़ जाएगी नौकरी लागे पाछे, हमने सोची जब सुतरा गुजारा हो जाएगा छोरा का ढूंढ ढंग बच जाएगा, और क्या ने इस कतिया नौकरी के लागे से ऐसा घमंड आया है तो पूछे मत ना, ना तो अपनी कदर ना छोरे की कदर, अरे कम से कम हमारी कदर ना करो, वो तो ब्याह धनी से उसके गिलत साथ फिर लेके आ रही है, उसकी तो इज्जत करो कम से कम। जिसने रुपया अच्छा लगा ना उसकी नजर में रुपये की अहमियत होया करे, मन से कोई अहमियत ना होया कर दी। सैनी जो रुपया छाती भी धर के कौन ले जाए कोई, ठीक मेरा बाप थोड़ा कमा था गे बना के ढूंढ दे के चला गया, जमीन छोड़ गया केले गिल नहीं गया गेला तो कोई ना ले जाए, फिर आया आई तो सब लाग रही है ना। क्या खतर करे न्यू बेराजी जानी से आनी जानी माया से आज से तड़का कोनी कदे धूप पर कदे छाया उंदी आई सदा, पर इस बहू को समझ में कोनी आवे, हर धमकी देगी गा है नुबले सुपर समोसा तो मां आ गया, अगर मेरा बाप आओ ना थोड़ा थर पंचायत करनी पड़े वो और कर ले भाई, उसने और उठा गया हम तो की उठा शैनी कितने कोटा सुनने की आदत पड़ रही है। आदत तो के पड़ रही शैनी, मजबूरी है अपनी, एक तो फौज में जा बैठा ठीक छः महीने आवे कदे साल में छुट्टी मिले है आवे जिद अपने बालकान ले कदे ससुराल चले जा कदे घूमने चले जागा, एक यो इसका मुँह कान देखे जावा हाँ, और वह बहू छः महीने तो आपका घरा रहो है, दस दिन आओ गढ़ कड़ा तार की जानी रहे, फिर कड़ा तार की जानी रहे तो वो आपका घर तो बसा रही है, वनो किसी की बेइज्जती तो ना करे, किसी ये भी हो इसका के कर लिया खाओ भी गुर्राओ भी काम का हाथ ना लावे, हर डांट मारा इतनी तुमको जिले की मालिक से नौकरी देश लाग रहा है, और काले अक्सर सब न कर रखे हैं, मारा छोरा भी लाग रहा है ठाली ना हंड था, और फिर छोरा काम करके ड्यूटी बजा से वह भी तो कर सके है थोड़ा बहुत, न्यू है तीनों जने लागे जे करा तो बांडा बांडा काम आवे, ये मैं एकली पापड़ वाए जाऊँ और छोरा न्यू कुर्ण कुर्ण करे जा, दुख तो सही ठीक से जो से जैसा टाइम बीत जाए ना उसका काट लेंगे अपना, रोके काटेंगे तो जीना पड़ेगा, हंस के काटेंगे तो जीना पड़ेगा। एक काम करा कर, अगर वह ड्यूटी पर जाओ ना उस टाइम झाड़ू झूड़ू लेके ना मिला कर तू, तय भी आगे खड़ी पाओ कड़ा तो बचा कर, काम तो करना ही पड़ेगा, तू दो मिनट पास से कर लिया कर, उसका जाए पास कौन कर सका तू, ठीक से सेना हीरे फिर गाजरा मकोरा ठीक से, तुम ये बात आओ तुमने कह सकूँ उसने थोड़ी कह सकूँ, उसने कहने लग गया तो सत्तर सुनाओगी बात, क्या खातर कहनी है जितना चल रहा है इतना धंधा पिटा टूट जाएंगे जी आपे खाट में गल जावेंगे, चल तू गल रखे से अपना खा लेंगे, फिर जे ना खाई और किम काम निकलिया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वह आगे ने सो बात आ रही जा, चल रोटी तो खानी पड़ेंगे नए गुड डिजाइन है टूट चल रहा है, क्या सार है रोटी अंग सार चल रहा है, और ये काटी कोई डाली कही थी मनी चत काट दिए, ये सोरा अभी हाथ को लगाए गिरा दिया, कट्टा का कौन है आज यो घर से घर तो ऐसे करते दिखा रखे ऐसे मने माँ पहले मरीज में फर्क है, हाँ रोटी खाना रही है गर्मी हो रही से हवा तो कौन लाग दी था मक्खी मुक्खी कौन पड़ेगी सब्जी में, और तो गर्मी की बिजली ना लाग रही से या टाइम पाया जाना तो रोटी खा लेना ढंगते हैं माँ, हुआ क्या था बाबू ब्याह कर लिया मैंने देखा कि हमा बेटा यो के कर रहा तने, अरे कम से कम की मैं सोच रहा हूं मां का ही देख करे हैं, अरे अरे घर में कल्या कल्या मात से रोज की बाबू कल्या के होती और कल्या तो रोज होया कर दी, पर तू ये कम से कम न्यू देख कर तेरा ब्याह हो रहा तेरा बहू रही गेल ने हैं इस चीज ने देख कर तू बाबू से चक्कर में ब्याह करया मैंने भी थमने भी इस चीज का बेरा है रोज की रामाला बना रखी थी सुलगाई ने मेरी के रामाला बना रखी थी आप सुधर जा रहे मैंने को हूँ उधर जा रहे ये कर लिया वो कर लिया क्यों कलेश करो हो कलेश नहीं करा अरे तमाशा बना देगी वहाँ और उसका बाप आके तो उसका लेगा उसका भाई ने तो जाने किधर से वो कोई बात नहीं बाबू कोई कि मैं करे ठीक से मेरे यहाँ पसंद थी मैंने ब्याह कर लिया इस तरह मैंने कि मैं कोई सुनना तो नहीं करा उसके लिए क्यों करा उसे क्यों करा तू अरे उसने आपके फर्ज निभाए के कदे और उसने धड़ी मान लिया के कदे मैं है कदे तीन इस चीज में क्यों बेटा रहने दे लड़ा ना बुद्धि आ जा रे अरे बुद्धि आ जा उसमें पर यह चीज ही भाग ही ना ये खूंड बाजेगा रोज की आज तो यही बुद्धि बाबू है बेटा सब का टाइम आ रहा है सुधर जाएगा अपने आप भाई तीन साल हो गए बयान है आज तो बुद्धि को नहीं आई तो आज आ जाएगी के रुक जाओ बाबू मां जोड़ो सो बन जा ठीक से नारा हमारा बना हुआ है हाथ जोड़ से पांव पकड़े मन ना कोनी ये चीज पसंद है कोनी तेरी ठीक मैं तन्नू बोलने जोगा छोड़ दिया कोनी हां कौन छोड़ दिया
खराब माटी तेरी हो रही थी, मारी कोनी हो रही, तन्ने करवा रखी जाए। अब तू कहे जो गति बात कोनी हो तो मन ने कुड़ करा रखी बाबू, वो उसने करा कि उसकी वजह से बैठ गया हमने। पर तो हमने गोली दे दे मर जाओगे हम दोनों, पेंडा छूट जाएगा हमारा। नो मरना हमारा है, ये तो मारे दे तू बिना ही मारो सो, मैं कौन मारता तुमने, मैं दुखी था खुद एक है के राजी हो रही है एक बार भीतरान दे। चलो भीतर सब ले जन ना भीतर, भीतर क्यों उतार दूं, कौन है यार दिख दी कौन है, मेरी घरवाली से यार, घरवाली तो मैं कौन हूं हैं, तन तो कोई फर्ज नहीं भाई, कोनी तंदा नहीं कदे मानने है, अगर मान दी ने है फिर के फायदा। अच्छा बस एक धणी पणा बनान खातर बहु लिया है के, कल नहीं अभी छोड़ देख फिर। अरे मिनट मिनट में बेइज्जती क्या कर दी, खुद ही क्या बोल बता रे, हाथ लगाने की जरूरत ना है समझ गए, हाथ लगाए जो क्लास है ये सरकार थे के मां, ए तेरे तो सूत हो रही है, इतना काम को ना तू भी लिया फिर एक सौ तक तेरा भी दिन निकल जाएंगे बढ़िया, क्यों काम तेरे तो अंधा कोनी मां, रोना तेरा पड़ा रहे है लिया बाबू को एक और है, काम तेरे बाबू नहीं अंधा, कोई बात नहीं क्यों थी, ये संस्कार दिए थे तू बाण है त्रियां फूट गई, मैंने कुछ कहने की जरूरत ना, जरूरत क्यों कोनी, क्या कहना था पहला मेरे तो बात का ठीक से ना, इस तो बात ना करे जो ना चलिया चीज है बाबू, मेरा घर में लट बाजेगा, रुक जाओ बाबू तो ना हमेशा कदे मेरी सुनी ना, सुने तू कना बे सही है आप किलकी मारनी आई तो ना जिंदगी में बोल पड़ता है, बोल ठीक से ना बोले बोले ना, 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी जिसके 3,000 पीएफ में कर्जा है बचे उसके 12,000 में एक लुगाई का खर्चा कौन पटे, इसका पाट दोगे लुगाई का खर्चा पाट जे रे, पर लुगाई ने खर्चा पटवाना को नहीं आया ठीक से, लगाने की जरूरत ना है समझ गए, बार बार समझ गए ना, अरे नहीं बनो ले के नहीं मेरे को सुन के आज तो मार दिया कर ना मार दी ठीक से ना, अच्छा अपने बात भरे के बोले हां अरे नहीं बिनड़ी का गबेस्ती हो जाए बात सुन देखिए बंदे बात सुन रे बे इसे ना बोले मेरे तो बोले बोला से तो काला मुंह वाला आदमी तेरा कोपड़ा का पता है दोनों मुंह की, ए बेटी के मां की सीमा तू कल दो चार और लिया होगा, मैं जिसी मां होया करे ना उसी है सू उसी है, तो कट्ठी दो बाण बे लेंदी इसका इसने कई बनो मां थी तने बेरा पड़ जाएगा ना, अकबू किसी का करे काम कर ले अपना, मैं क्यों करूँ काम, हाँ तू तेरी नौकरी बजा ड्यूटी बजा और तू एक बात बताऊं इतने ही तो नौकरी करके घर चलाऊं थी, थमने अपनी औकात दिखाऊंगी बाबू, आज का ट्रेलर ना देखा था के सबेर का के बीतरी थी के ना बीतरी थी, दाढ़ी तक कटाली मुंह छोड़ कटा ले, क्यों गांव में तू कुछ दिखाने जोगा ना है, हाथ नहीं इसने की मैं कहने की जरूरत ना है, धनी है मेरा यो फिर वो भी किसे का धनी था, मैं इसका बारे में मन्ने आज नु लग लगे मां तेरी शह है समझी, जैसा तेरा बेटा ने तेरे को है, हमने तो मेरा को नहीं, और एक बात और बताऊं रे ना मेरा होता है तू 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 ना मेरा होता तो शर्म होंदी मां तेरी आंखों में, एक बात और सुन ले जिस तरह तू तेरा धनी बेइज्जती करे मैं सहन ना करूंगी, नू नो ले बेटा ने इतना बड़ा काम कर दिया, पर मैं किसी ने कुछ नहीं कह सकती, मैं इग्नू ही कहूंगी कहना कहना को नहीं, हम सारा नैने इसे ही से रास्ते दिखाऊंगी, मेरा को नहीं, हम तो बेटी बेटी का तुम्हारा सिर पर चढ़ दिया हुआ है, बनाओ बेटी कोई बात को नहीं समझा दे, तमाशा तमाशा तो गाल में जाके बनाऊंगी थोड़ा, जे तेरी जात उतरेगी ना जे लोग थुकेंगे, क्यों जुलूस काट दे बेटी कोई बात को नहीं, चल लूस तेरा बेटा काट दिया, हाथ जोड़ा हमने बहुत दांत जोड़ लिए, हाथ को नहीं मेरा बाप आगे पैर भी पकड़वा हुआ थारे, ठीक से तेरा बाप ने देख लिया के छिड़ दी मोड़े गल, बाप ने क्यों पहले भाई ने बुलाऊं थारी याद नहीं कर दी, तो तेरे बड़े टैकुन जा के डटूं है, तेरे छोरन देख तमाशे काट दिया है, है? अरे लोग के कहोगे आप ही ने तमाशा बना दिया तमाशा, अरे या जुलूस काटेगी, अरे वह फोन करे आपका भाई दो रहे उसका भाई उसका बाप देखे आराम दे वो जुलूस काटेंगे, फिर उसका भाई ने और उसका बाप ने न्यू कौन बेरा अक मारी औलाद किसी से, अरे बावली सारा शुद्ध का बेरा से आई समझ में, पर गाम राम ने बेरा पट जाएगा कि राजेश के घर नहीं आ कहानी हो रही से, हमने गाम की ना सुन दी जो कर दिया ना वो कर दिया सुन ले गाम की, और इसका भी अक्ल लग जाएगी बेरा पट जाएगा अक धनी की इज्जत कितनी को आकर, अरे कोई दिन माँ पक्का आ जा रहे तू तू तो वही होई हाँ तो कोई दिन माँ पक्का मार दिस गिल है, ठीक से जो कहानी बन गई थी मैं पर तेरा कहानी आ कट है ना मैं मार दूँ, हाँ तेरे मेरा है, चल रोटी खा ले अपने, अरे जो हो गया वो उसने देख दिया था चुपचाप, हेलो हेलो भाई जिस बात का डर था ना वही बात होगी, क्यों क्या अर्जुन रो क्यों तू, और क्या बात होगी मैंने बता, बात क्यों थी वो तेरा जीजा दूसरा ब्याह कर लाया है, और उसकी उसकी माँ भी उसकी शह में शह दे रही है,
इस बात का तो मैंने बेरास है उसके करके उसका गली है पर ब्याह कर लिया बिना अरे तू फिर किमला के कौन थी उसकी तेरा कौन है भाई के दिमाग माई के नाई उनका के तो मैं रोई कौन पर भाई के करू इतने एक दिन तेरी लड़ूंगी तू बता आई तो बरोबर मैं सोतने ने बेबे तू चिंता ना कर फिलहाल तो मैं चेन्नई जान लग रहा था कोई काम खतर पर ही मैं रास्ते में के उल्टा हूँ कह तो कल सन या परसों सुबह रहते आ लूंगा तेरे तो चिंता ना करी तू भाई तू देखना एक तो कमाया करती घर का काम में तो ना करा भाई इतनी मुश्किल थे इसके नशे पते छुड़वाए नौकरी लगवाया तूनू देखना शुरू तक काम में तो कौन करे नहीं इससे बात करोना था पर मना ना बेरा था कि किसी का कराया कराया इतनी तावड़ी भूल जा है बस भाई हिप्ती तो तू और मैं बस नू सोचा करते कि इनका कल लगानी है उसके भी लगानी वह नहीं बनो आई है ना इनकी उसके उसने भी तो बेरा लगाना चाहिए कि सागर माई और के चीज हम चिंता ना करे बेबे इनका तो नाक के चने चबवा दूंगा मैं तू टेंशन ना ले यार सुन इनने क्या करना रही है कदे करना चाहो यार बाबू तो बतावे बाबू तो ये बड़ा लेंगे बेरा को नहीं कि उसका तो एक पेट ला है वो बड़ो लेगा अरे भाई उसने तो खूब कही है कि इसने नाक कटवा दी इसने शर्म ना आई पर वासा ने उसकी माँ खप्पर बढ़नी वाह उसने नहीं बहु बाव थी क्यों उस वह काम करे थी ना उसका जोर पड़ा था कि घर का काम करना नहीं उसने भी एक नौकरानी फ्री में थैगी और ना दुसा इतना जितने दिन वारा है इतने दिन की लिव लूंगी समझर गहने रहूंगी कतिन की छाती पर मूंग दड़ूंगी ना जाऊं कितने भी खप्पर बढ़ने गहना बैठ के सैलरी लूंगी और मैं इनकी फोड़ूंगी इनकी नासान है चिंता ना कर बेबे यो एक काम कर बेबे इनकी तो वाह खराब माटी करूंगा या जब कुत्ते ने भी खीर खा ले तो कुत्ते भी इनकी खीर नहीं खावे भाई मन्ने क्या है तो मतलब कोनी मन्ने बस या लुगाई इस घर में नहीं चाहिए मैनू चाहूं कि या इस घर तली कर जा बस या नहीं सारे जांगे इन ने बेरा को निके बिना तलाक होए और किसी और तो ब्याह करण में कितनी बड़ी सजा है सही कहे भाई एक बार इनकी आंख चसा दूं मैं चिंता ना कर तू जो ले आया ना नहीं बंदड़ी भागदा भूना नहीं लागे तो नाम बदल दिए ठीक से बेबे चालू हूं मैं ठीक साजा चौका कम तो कंपीयर ये तो मेरे अपने हैं ये तो खप्पर बने सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे ने सोचा हमने नई नौकरानी मिल जाए नई नौकरानी मिल जाए इन्हें ना बेरा बहू एक के हो घर की चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो काम तो मैं भी ना करूँ चाहे पाँच और लिया बहू तेरी ये छाती 15,000 में देखूंगी 1,000 बांटता पाओगा उन्हें बेटी यो घर से मारा और हम बूढ़ा बूढ़ी छोरा का तने बेराई से जिसी तन खाओ से अपना आराम तरह जिसा तेरे बबन है उसा काम करे जाइए और लत्ता छिंदरा जो तने चाहिए अलमारी में साड़ी सूट लहंगे जो भी तन चाहिए वो पैर ठाटते हैं आराम तरह और उसका केस है उसका तो सवाए ही सावरे है एक बार ड्यूटी बजा ना तो चिड़चिड़ा सवा हो रहा है उसकी बातें का बुरा ना मानिए तू माँ मैं तो सिर्फ तारी सेवा करना चाहूँ थी इसमें नु चाहूँ थी इस घर में शांति रहे पर मेरा है तो मैंने ऐसा लगा है बात दुगुनी बिगड़ गई कोई बात नहीं बेटी नु कहा करे हर एक चीज़ सदा एक सीना रहा करे सवेरे उगेगा तो सा न छिपे भीगा सारी अन गुस्सा ना रहो हमने तो बुरा नहीं लगे न मैं आई ना बेटी हमने बुरा ना लग गया हर तू आराम करे हमारे करे मारी भी उम्र तेरे लाग जा तारी जोड़ी बनाए रख ठीक से कर ले आराम और कर ले आराम ठीक है माँ आ रही थी गई गई क्या कहती कुछ नहीं बस समझाओ थी अरे ले करना के लिए रखे थे अच्छा एक बात बता माँ तेरे तार कौन देगी ओहो हार के क्या जरूरत है हर जरूरत इनकी भी कोना थी बावड़ी जो नई बहू घर में आया कर ना वो आर उसका आया कर वो उस आर पर हक तेरा सही वो हक आर आर पर कोनी इस घर पर भी हक तेरा ऐसे हाई से सुन अलवारी में साड़ी सूड़ी है जो तुम्हें पसंद आवे वहाँ पर ठीक हाँ तारे कहे थे वो तो बाहर मैंने देख लिया जो माहौल उसने बनाया है इब तन जो करना है वो क्या करेगी तू देख लिए क्या करूँ थे तारा मुँह तर सुनी थी तो मैंने नू तो ना लगी थी क्या इतनी भी खतरनाक होगी या तो कुछ ज़्यादा ही सर पर का पानी तारा है लाग गए तो मैंने भी कुंदी इतनी खतरनाक से पर इस घर में ही दिखा मन तो सही कहे था तू इसने तो सच में सारे दुखी कर रखे हैं खराब माटी कर रखे हैं मेरे बाबू का अखा हम सुकून सुख के हंसती मेरी माँ रोई जा है हर काम करी जा है लेकिन नू बताओ फिर भी तेरा बाबू आज उससे कि मेरे लिए था लोग गलत जी मेरे लिए मेरा बाबू ना तो मेरे बाबू तो आराम तो पूछे ना जाके फिर खोल लगा आपकी बात सारी चल ठीक से ये बात छोड़
जाके रोटी बना ले, कि मेरी माँ भी हार रही है, हर मेरी माँ रोटी बनाने भी अच्छी कौन लग गई। ठीक कहो, वो भी उनने बाहर भीतर के सो लोग आई आऊँगी, वो बेचारी नो ही सोचती होंगी के जवाब दूंगी। ठीक है जा कर ले काम। मेरा नहीं किसी घंटे कटके कौन दे, और वो बुढ़ा का समाई को नहीं ये भी किलकी मारनी शुरू कर देगा, एक मिनट रोटी लेट होगी। राम राम माँ। ए राम राम ऊषा। ठीक सर। हाँ ठीक सू ने वो कर साफ मारे आसान सके के करूँ माँ, तना तो याद आंदी को नहीं मारी, मैं सोचा मैं चली जाऊँ। ना बेटी माँ ना तो सारे बेटे सारी बहू एक सार होया करे। फिर कदे फोन करके भी ना पूछती माँ तू तो। बेटी मन के फोन मिलाना उसे, अरे जोड़ा भी तू तो बड़ा ही आई से ईसा के लिए आई इसमें तो। माँ डट कर जाऊँगी, अपने कपड़े ले कर रही हूँ। अच्छा मत माँ की मैं खाने की चीज़ ले आई। अच्छा तू बता तू एक आधी बरा जी सला फोन कौन कर सकती है हमारा दौरा। बेटी मैंने कहता दिया अगर मैंने फोन मिलाना ना हो दीपक से वो तन वेरा की सागर आ रहा है। तो आरजू भी तो है उस पर मिलवा लिया कर। आरजू ड्यूटी पे चली जा से। तो माँ कोट भाई तो करना आवे है जमाए को नहीं आकर दे दी वहाँ। बेटी आया पाचा आ रही था कि आओ फिर मैं न्यू कह दूँ तू आराम कर कोई बात ना। ए शालू है। शालू एक कप चाल आई बेटी। कौन शालू माँ। हाँ बेटी शालू फिर रुक जाई बा जाएगी तू देख लिए कौन से नू बता कै दिन डटेगी। कै दिन के माँ का एक दिन रखेगी तू नू बता दे। ये मैं तो सदा रख लूँ फिर थम रहे भी हो। ले माचा। ले ले जा। ये माँ। या फौजन गुल्लू की बहू। अच्छा राम राम जी जी। राम राम तो जा बेटी कर ले काम। फिर नाश्ते की तैयारी। हाँ रोटी बना दे भूखी बानी आई। कौन थी माया। या ये तेरी दुरानी। दुरानी तो अर्जू कौन है फिर। अर्जू तेरी दुरानी है। तो यह कौन थी माँ। यह भी दीपक की बहू थी। दीपक की बहू। दीपक ने दूसरा ब्याह कर लिया। किसी बात कर रहा है माँ तू। जो तूने सुनी। चाह तो बाद में पीऊंगी तू पाला नू बता थमने शर्म को नहीं आंदी के ड्रामा खिंडा रखा घर में। शर्म क्या किया होती बेटी ब्याह करके छोरा लिया से मना लिया ही। तो तू घर ना बैठी और वो घर ना बड़े लिया ले कब उतने कुछ कही कौन के उसता है। मैं क्यों कहूँ। सही है बड़े ने और कह दे वो भी लिया होगा। थोड़े दिन में लिया होगा डट जा। दो बक्का मर जा। जा थरा यो व्यवहार रहे तो। सही कह क्या तो के कर दिया हमने व्यवहार ने। क्यों तू आओ है ना जिब्बे मेरे गले लड़के जा अरे छोरे ने सारा बेरा से अब तेरा व्यवहार की सास है। तू एक तिक नहीं लिया हमने काम करो था मैं तेरा बार गाँव से अरे नहीं है अर्जू एक महीने में तनखा लिया हुआ ना तो पाँच महीने एक भी नहीं तनखा ने गिना उसे हमने ना चाहिए इसी साड़ी थरी और ना थरी तनखा मारा बढ़िया बहुआरी से बढ़िया सेवा करे ना बुढ़ा ना काम करना पड़ता ना मन काम करना पड़ता राम के नाम लिया सा बैठी धोड़ी धोती बांधे रखा। सही कह है तो हमने क्यों लिया होती पहले लिया आंदे इसने। हमने ना बेरा था तेरे चलत तरी से इसका बेरा है तो नहीं इसने लिया कुछ दिन तो सांस आवेगा। हाँ अपना सुख देखा था ना मारा कौन देखा चाह पी के देख किसी को बनाई रो। हाँ तो नहीं मेरे स्वाद आ रहा है फिर प्याज क्यों काटा जब इसने लिया तो ये वा दाल चौकन लग रही है मैं बैठी प्याज काट दिए। सही कह तो नौकरा नहीं लगा लेंदी जब इतनी जरूरत थी तो काम की। जब थर देवरानी जिठानी आग मैं झाड़ू पोछा करूँ थी जब तो तुमने स्वाद आ रहा था अरे भैया मेरी सेवा करने आ गई जब तुमने स्वाद ना आ रहा। तो एक बात बता मैंने वह नौकरी करा कि घर का धंधा फूका है। नौकरी मेरा छोरा भी करा से और तड़के उठ गए ना अरे मेरे गल लागे थे डांगा डोर की करने। कितना कमा कर लिया है अगर वो नौकरी दम करता तो वह क्यों जावा नौकरी करने। जो नौकरी मिल रही है ना उसने अपनी नियतता करे है आगे बोल। नियतता करा दिख गया रे उसके पापा ने दिखा करे लिया यार दूसरी बार नोया नौकरी करा था उड़ा। हाँ लिया यार दूसरी अरे जन्यू रहेगा ना तो तीसरी और आओगी बहुआ का घाटा को नहीं। माँ एक काम कर यू बहु वाला व्यापार चालू कर दे तू उनका भी फायदा और तेरा भी फायदा हो जाएगा। बढ़िया सा फिर मैं चाहूंगा नहीं उसे। तू तो चाह वही है मारी जिंदगी खराब कर दी चाह वही है वह क्या रोंदी होगी बेचारी। रुक जा ब्रेक लगा थारी जिंदगी किसने बर्बाद करी है। हमने कर दी थारी लक्षणा ने। हाँ तुम चाहो सो नौकर सासू ससुरा धनिया की थारी नजर हमको इज्जत नहीं। ये लक्षण भी थारे कारण हो रहे हैं जब ढंगता रखो मारे लक्षण ठीक रहेंगे। फिर हमने फांसी टांग रखी सो फांसी टांगने ना हम कसर भी के छोड़ रहे सो। कसर तो रह रही से इबे टंगी को नहीं सो चिंता ना करे। एक बात बताऊं तने जब 12,000 रुपये तनखा लेने वाला बहू लिया ना
तो मेरा बेटा फौजी से दो लियाओगा कट्टी और फिर तने बेरा पाटेगा। लिया का तो देखन दे जदीन मा तारे ना दिखा दिए तो यो घमंड दे रहा दरा रह जाएगा। घमंड को नहीं राजे रावण का भी रह गया तेरा भी रह जाएगा। के है किस तबूज के मेरी अलमारी का हाथ लगा है मन्ने? हाँ मन्ने के ले लिया तेरी अलमारी में या साड़ी मेरी। अच्छा इस साड़ी की बात कर रही है क्या? हाँ इससे साड़ी की बात कर रही हूँ। या तो अगले नदी से इसमें तेरा केला अगला पेटा। एक बात बता दूँ उस अगला का बसियो ढूंढ है और उसमें इसका किमे को नहीं समझ गई। अगर अगला देनिया बड़ा है ना तो उसने उनका जेब की कमाई खर्च करके लिया। अरे वो तो लते मेरे रुपया के पर है तने के दे देगा वो। मैंने तो मतलब एक कोनी आदमी ले आवा करता है वो उसका काम है लुगाई का काम अपना घर संभालना। अगले ने मेरे गिफ्ट दिया है तो मैंने पहन ली। इसका मतलब जिस तरह तने उतरण ले ली मान ले चल तने मेरा धनी ले लिया वो भी उतरण है। इब तू मेरे लते भी तारे उड़े पहरेगी के। एक बात बताऊं अगर इंसान ढंका होने तो उतरण में मजा से और जब इंसान ढंका ना हो तो पहले लेगा भी कि मैं नहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा है। इसका मतलब तो जितने पुराने चीज थड़े हैं सारे तू ले ले फिर। एक काम करूं अगला नए जिस चीज तो मैं दाप रही हूं ना वो सब कुछ तो ना दे दूंगी मैं। कोई दिक्कत को ना प्यार तो अगला नए देगा तो नए पैर लूंगी पुराने पर आओगा तो पुराने पैर लूंगी। अगला देगा जैसे अगला पाई है ना उस पर कुछ को नहीं बस झूठा दिखावा करना उसने समझी। इस बात पे तू मोर क्यों मारने लग रही है? मोर ना मारू ना जब मन ने दिक्कत को नहीं तो थाने के दिक्कत से मन दिक्कत यह है जिस धनी का दम पर कूद के है उसका धनी का दम पर रहे समझी। हाँ। अगर तेरे माँ बाप ने तू भेज दी तो उन तक कहने के फोकट में भेज दिए कुर्ती पर आगे तो कुछ दो ना मैं पहनूं दूसरे की पहनी पड़ा है। कमी है कोनी मेरे बामा से वो दूसरे की लाओ चाहे कितना ठाकर लाओ मन तो पहनना देवे है दो टाइम की रोटी भी देवे है। हो सही कह है वो तो ना दो टाइम की रोटी देवे है थाना कपड़ा दे है नुई तो दे है ना कब्जा हो रहा है मेरा कमरा पे आज के बाद ना फटकन दूड़ है समझी। एक बात बता जिसने तू बाड़ी है ना वो और तू इची अपना बनाओ चिड़की दे रहो चिड़ क्यों माचेगी किसी का आग छीनेगी तो चिड़ कौन माचेगी। ओके मैंने छीनिया को नहीं इतना तो फेंक रखा था मैंने तो पड़िया उठाया सही ओके ठीक कौन से की बात कर रहे तू कदे उसकी बहू वाला सुख दिया से है उस आदमी ने नू को ना मेरा था लुगाई क्यों है नौकर था इस घर में वो धनी को ना था। सही कह वो नौकर था तू भी एक नौकरानी की हैसियत तैर रहा है। कोई दिक्कत को ना पर नू सोच ले जो लुगाई ने धनी ना गुलाम मन है ना तो वह भी नौकरानी हो चाहे वो तू सरकार की है कोई बात को ना लेकिन घर में तेरे लोग की इज्जत देख के फायदा उस नौकरी कार के रुपयेगा था तू कदे आपा जा के ले मेरे हम कमी पाछा काट लिए आई बात समझ में। अरे अरे एक और बात कह दूँ तू बोलते चर चर करती हंड ना दोबारा भटक उसका दौरा मत ना जाइए ना अच्छी बात नहीं रहेगी तेरे खातर अपनी तनख्वाह नौकरी के लिए गुजारा कर इस घर में तेरी भी आई हैसियत से। अर्जुन तू एक बात बता मना क्यों घर में क्या चल रहा है? चीजी इतनी देर माँ का दौरा बैठी आई तो क्या तुमने बेरा ना लगे के चाल रहा के ना चाल रहा? माँ का तो तने बेरा है एक की दो लगाया करे वा तो लगा दी ना एक की दो मेरी जिंदगी की लगा के दर दी। और फिर तू चुपचाप ली बैठी है तने कुछ करे कौन के करूं मैं नू बताओ लुगाई अपना धनी का दम पे कूदया करे मैं किस कदम पे कूदूं? के बात है तलाक ना हो रहा उसका? तलाक ना हो रहा तुमने बेरा है जिस तरह चाह में तो मक्खी काट के फेंक दिया करे ना इस तरह फेंक दी मैं समझे। तो उससे सबक सिखाने के बहुत तरीके हैं। जी जी सबक मन ने मिल रहा है मन ने किसी से कोई सबक ना सिखाना समझे। मेरा तो नू समझ में आ रही है तू राम तक क्यों कर बैठी से? एक बात बताओ ना जब घर में सासू थमने कुछ ना समझेगी धनी कुछ ना समझेगा ससुरा को कुछ ना समझे पीर ये को नहीं आऊंगी तो के करोगी बैठी रहोगी इस घर में? के बात है चाचर के बात क्यों हुआ था चाचर भी को नहीं आई? कोई को नहीं आया भाई दो फोन कराया था नु बोला तड़का लूंगा आज कह दिन हो गए उन बातें ने उसने आके मुंह कौन दिखाया है मेरे चौड़ा पाट दिया उन्हें उसकी बाण गेला इतनी बड़ी कहानी होली और वो इतनी आए को नहीं उसकी बाण थारा देवर ने के करया हड़क दे ब्याह कर लिया और ब्याह करके लिया पाछू उसने भी मुंह ना दिखाया मेरे नजर मिलाने के औकात उसकी भी कोनी लग तो कौन था ईसा ईसा लिए कट गया वो लग कौन था आज का टाइम मैंने कोई लागया ना करे सब ने सब क्या है बेरा लाग जाए। तू मेरी सुन
आगे का क्या प्लान था नू बता। आगे का प्लान यू है बैग पैक करके जाऊं हूं मैं। कड़ जाओगी? कितने भी जाऊं। तेरा दिमाग खराब हो रहा है के? बे मेरे ऊपर चिल्लाए तो कुछ भी ना हो बताई तो तेरे तभी कुछ भी कोनी। तू भी नहीं फेंक रहा कि जिस तरह मैं फेंक रहा क्यों? मेरा तो धनी कमावस है और ठीक थोड़े ठिकाना बैठा रहा है मने। तेरा कमावा है ना, कमाऊ मैं भी थी पर उसने रहना ना आया। उसने तो हमेशा माँ की चमचागिरी करनी थी। मेरी मानू वो ये माना कर दिया। जब बेटा बहू लाया तो माँ अपना रंग बदल गई। दोनों गिरगिट हैं, एक ने देख के एक रंग बदल जाया है। इसा सोना तो जमा दे पार कर दी। अगर की मैं कवर हूँ छोरन है तो लेकर पड़ जाता उसने करने। कह रखा है बहू ने लाया अपना दम पे हर सब कुछ दे दिया मेरा उस तय। कुछ भी इसा कौन छोड़ा मेरा जो उसने ना दिया हो। क्यूँ माँ बेटा की खुद की तो औकात है कौन एक रुपया कमा के लैन की। एक सब कुछ मेरा दे दिया उस पर वाह महारानी जमा के बैठ गई। कड़े जाऊं मैं बस इसी लत्तर देखण की रहेगी केस घर में। नुको लियाए हो अपना दम पे तो उसने उड़न पैण ना खान पीने नुको अपना दम पे लिया के दियो। बेबे बात इसी है तू आज जे आई है इब ते ठीक होने इस घर में। इब तू जितना लड़ना चाहती हूं ना लड़ ले मेरे में तो हिम्मत रह ना रही। किसी बात करे हारजू तू? किसी बात ना करूं तो मैं लड़ू थोड़ी हूं तेरे तय मैं तो पूछूं। मेरी कौन कंदी घर क्या गल्या। जो तू ये प्लान स्कीम बनावा है ना ये तू बना के देख ले। अगर तेरी चाल जाए तो ठीक ना कोई तेरा भी मेरे डाल बैग पैक होया पाओगर जानदी दिखेगी उरात है समझी। ठीक है भाई तो इसका है वो कदे वो दिन में करते। इसका कोनी ये सारे एक के माँ के बेटे हैं। कहा अगर पांच उंगली बरोबर ना होंगी पर इस घर में सारे मिलके एक पंजा बन रहे हैं। सियाणा होना पड़ेगा मन तो। और कह दी ना बाण सुनी थी मन ने अगर तेरी भी हरकत रही तो तन्ने भी और भूलिया देंगे। बस गलती आ रहेगी ना कि मन ने अपनी नौकरी का डिठोरा दिखा दिया। अगर मैं आगा आगा घर का काम करूं बाई बन के रहूं और फिर मैं नौकरी करके आऊं आके फिर घर का काम करूं ना फिर तो मैं अच्छी। अरे अगर मन ने दो रोटी सूखी मिल गई ना तो बर्दाश्त को नहीं माँ बेटा पर। जब ना नौकरी की जरूरत थी तो कोई नौकरानी टेक लेंदे। क्यों बहु का खूना छाला गहन है इवान नहीं बंदड़ी आई आई जिद की वार रसोई में बढ़ रही है। बाहर लिगड़न थोड़ी ना दी है वह काम करेगी तो वह अच्छी लगेगी। वह नहीं नहीं आई है दशक दिन के चोचले हैं वह भी रंग दिखा देगी अपने फेबे। गणे दन्ना डटे जब मारा है करे उड़ा भूल गए तो उसका कौन याद रखे था। उसने नूना बिरा के फंसी की नादमिया में किससे के सके कौन ये माँ बेटे मतलब लिगड़े और नहीं मतलब लिगड़े और नहीं या तो शुरुआत है। तू इवनू बता उसी केस कास करना है कि उस पर। बेबे मैं ना करूँ कुछ भी ठीक है। इब मैं नू चाहूँ मेरी जिंदगी बर्बाद होगी ना। इब मैं नू चाहूँ उसका भी उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगा जो आई ना नहीं ये टोटा टापरा मरेगी ना जित बेरा लाग जाएगा उसने। अच्छा तो दोनों ये खिचड़ी पका रहे हैं। पानी को भी रही सुन ये पौधे सूख जाएंगे ओड़े गमला है। माँ हाँ तो छोड़ तो मेरी बात सुन। हाँ नू बताओ मेरे इस घर में खराब माटी करने खातर बलाई थी के। क्यों के वो तो ले आया तमने जब तुम बोले अगम ने अपना ली बेटा कोई दिक्कत को ना तू अठारह रहे तेरा ही घर है अरे प्लानिंग बने मेरे खिलाफ। कौन बनाओ बेटी प्लानिंग मैं बनाऊ से तरी दोनों बहू बेहतर कमरे में बैठ कर मेरे पे केस गेण की कह रही है। अच्छा उनने कह दी और तन्ने मान ली। अच्छा मैं एक बात बताऊँ माँ चल तार बेटा मन ले आया था उसने गलती करी तो हमने भी तो मैं अपनाई थी अरे कैसे मेरे पे गिरेंगी यूँ कौन सा मतलब होया। बेटी तो इस घर की बहू है और कोई केस ना गिरे और जिसने जाना हो ना वो जाओ तो ना कितने नहीं जाना आड़े ही रहना से। देख लिए माँ कदे मन ने बेवदा करवा दो चारों बढ़ते हैं मैं कितने गिना रहूँ। इस बात ने याद रख जिसी छाती ठोक के ना अपनाई थी ना जीऊंगी ना इतना नहीं मैं रखूंगी मेरी बेटी ने। मैंने बाबू का भरोसा कोनी के बेरा उनकी मेर में हो जा वो दिन भी तो कह वह था माँ ही जब माँ माए हो से ठीक से बाकी अच्छा ना कर रही वह दोनों हेरे जाएगी न्यू का आग्रह हाथी टपन है जब लाखों कुत्ते भौंका है उसके गिले। मैं तो नू सोची थी या एक केस ही है इससे ना नौकरी का घमंड है उस दूसरी दूर तो नौकरी भी कोनी फिर भी उसकी बोल चाल इसी है। बेटी और मैंने क्या कहा दुख से हदोरी इनका गए मैं तो परेशान हो गई थी सुन के मैं कहियो के चाल गया घर में। तू चिंता ना करे इबे तो देख दी जा आगा के करेंगी ये और डट के अड़के लड़के सामना करना से और जे तू हार मान जाएगी तो मेरे दर के बचागा बेटी। ना ना माँ हार मानने वाली बात ना से बस मैं तो पूछना चाहूँ थी वो
खाकर तामने भी हुआ कि मेरा राजा तो मेरी डाल से हर मैं तेरी तलवार, जब डाल और तलवार दोनों मिल जाए ना जब बेयुद्ध जीतिया जा है आगे समझ में। हाँ चल कर ले काम। अर सुन। हाँ तो सुन क्या ही उनकी बात। हाँ ईसा व्यवहार रखिए अकून न्यू नहीं बेरा पटे हक तना उनकी बात सुनी से। क्यों माँ ये यो है तो कमाल से तू समझा कर बेटी। बाबू क्या कहो थे रुक के माला रही इतनी देर तक। अरे की मैं कहने जोगा छोड़ दे बेटा तन की थी बाबू मैंने क्या कर दिया ऐसा। अरे वो इस तो फालतू क्या करेगा। अरे ये बड़ी मेहनत थे मेरा खून पसीना करके मकान बनाया था मैंने आज इस कीट खेलने लाग रही समझे क्या करना चाहूँ मैं मेरी बात ने। बाबू मन तो बसाने की कोशिश कर रखी है थमने नू कही ना या कर बेटा मन वाह करी आज तक जिंदगी में थमने नू कही सांस लेना है बेटा उठे सांस लिया हजी जान नू कही हमने रोकना है सांस उठे रोक के खड़ा हो गया मैं बोल लिया कौन कहते बाबू पर कौन बोल रहा बेटा सिर के ऊपर था पानी गाने जिद में मजबूरी में बोलना पड़ा था मैंने ना मैं कोई बोलूँ यार बाबू यह बात भी नहीं होता बेटा मेरा कल सिख जनाजा उठवा हुआ था अरे मैं किस मुँह तो लिख डूबार ने पगड़ी बांध के पंचायत में जाके बैठा कर दाने तो लोग क्या कर दे हाँ भी फैसला करवा होगा और आज मैं मेरे घर में फैसला कौन कर सकता बेटा जो तने काम करे है इसका कारण घर बस है कौन बेटा तेरी तेरी माँ की चाल लगी ना इस ढूंढ का नाश होगा अरे बेटा ये पगड़ी जो सिर पर बांधी बैठे हूँ आज बड़ी बहू नीसी सुनाई है सिर पर रखने जी को निकल बेटा तो बाबू मैं क्या कर सकूँ के करा घोर इस्ते फालतू बेटा के करेगा बाप का सिर पर पगड़ी दे रही जान मनने का बात है वह बेटे के सिर पर आकर है पर मन लग गया ढंग मेरी पगड़ी का ठोकर लगनी बेटा बाबू इसी बात क्यों गला रहा बावड़ा हो रहा है बावड़ा हो गया बेटा मैं बावड़ा हो गया रहा तेरे बसाने के चक्कर में हम इन पहले बहू की सारी बात सुनी वो छोरा फौज में जा रहा उसकी बहू के ताने सुन दे सिर्फ क्या खाते रहे ये सूत्र डाल बस जा बेटा आज हमने दिखने लगा ढूंढ बस है कौन भाई बाबू आज के बाद तेरा बाप पगड़ी है कौन बांध दे बस बावड़ा हो रहे सोगे। हाँ मैं बावड़ा हो लिया बेटा बावड़ा हो लिया मैं तेरे बाप का देखा ने तेरे बाप की इज्जत का देखा ने अरे बाप की पगड़ी का देखा ने और किक्के सहन ग्रामी अरे ये उम्र सहन कल की रहेगी मारी इस ताचा तुम मार दूर ने तो बढ़िया था पर कोई नहीं बेटा जो तुम करो अच्छा करो ठीक बाबू सुन तो ले ना बस सुन ली बेटा मैंने सुन जो कर रहा है कोनी भैन मेरे पर गलती हुई से कोनी हुई पर हुई तो बहुत बड़ी गलती से खुद के नजरे में खुद गिर गया मैं बाबू की आज पगड़ी आज साढ़ा दरवाजी बना के जा मित्र खड़ा जाऊं बैठो अपनी कोण में जाके तीन तीन बहु आ रही मित्र कोण में कड़ा जगह रह रही है और कड़ जाके बैठो तो बारे बैठ निकल जाऊं वड़ते हैं मैं कहनी को निकल जा काम ही छोरे घर में अच्छी बात क्यों करया करे। हां मैं तो अच्छी करू हूं बड़ी बात तो थम करो ना मन तो अच्छी आओ है सेना मना करया के ऐसा और क्या करेगी इस फालतू अरे इस घर का ऊट मिट्टी लठवा दिया और क्या करना चाहो तुम मन लठवा दिया हां छोरा ब्याह करवा के लिया से छोरन करवा लिया ब्याह ठीक से आपा बस में हो से जापा बस में ना होया करे जापा बस में आ जाया करे अगर मां डंकी हो तो पर तन्ना में से ना उसकी फेवर ली और उसकी सपोर्ट ली दीदाजिया ने बता रही है मन ने बता मन तो बाल क्या का नहीं जस झुकना पड़ा है तन्ना पगड़ी क्यों उतार रखी से सिर पर अच्छी भी कौन लग दी पगड़ी अगर यो लक्षण घरी रही गाने तो आज तो पगड़ी उतरी है गांव में शान तार दी ये किस ने मुंह दिखाऊं जाके मैं बांधन जोगा कौन रहा पगड़ी 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 बांधन जोगा था कदे इस घर में जो जिस लुगाई है तो पगड़ी पर आओ आदमी तो पहन जोगे छे कोनी शर्म तो कोनी आंधी होगी खड़े हो रे आड़ मुंडा का के अरे के लखन करे है तेरे बेटे ने अरे के थमने करवाए है लखन डूब के मर जाओ कि ते कुआ जे मिटदा हो ना तो जहर खा के मर जाओ ठीक रहेगा हरा जी हम जहर खा के मर जाते हम राजी राजी और अच्छा मेरी जिंदगी मेरी बहन की जिंदगी खराब करके और मैं राजी हम डांडू अरे शर्म आनी चाहिए बुढ़ी डांड हो रही तू तेरी ये लखन तेरे इस घर में के बोल रहा मां ठंड की जरूरत नहीं मेरे ऊपर है के बोला ना बुढ़ापा में आठ खंड दे भी अंडे के आज से का दिखाते हैं मेरे घर मां के मेरे ऊपर शेर है अच्छा तेरे ऊपर है मेरी बाण दे रखी थी इस घर में जिद शेर हो और मेरी बाण की जिंदगी खराब करा की जिद शेर हो जिंदगी खराब की अरे जोड़ के बाण दी थी न्यू कोने के खराब मट्टी करे अंडे एक तो नीची आवाज बात करे नीची आवाज बात करे ठीक है अरे गलती में हम समय को निकलती मना मेरी बाण
नीचे आवाज मारी बाण बनने के दर्जना बड़े मेरे के तेरी बाण गलत कोनी और तेरी बाण की गलती कोनी रेड दे ना बोल ले इनका आगे हां रे पूछ के देख बुला था अच्छा क्या खतर बुला थे तने पूछी गलती तेरी बेबे थे मेरी बेबे तो मैंने 100 बार पूछ ली अरे सारी अन थम दुखी रखा कर दे 24 घंटे थारे कमाई के गड्डी दे दे तो थम उस दिन तो हो जाओ राजी ना दूसरे दिन नाराज बड़े बेराचा मने ले जा बेटा ले जा बढ़िया है माँ और कितने तनखा देवगी उन्हें बेरा पड़ जाएगा और कितने हाँ। मुंह संभाल के बात करो और कितने किसके देवगी तनखा तनखा देगी उन्हें न्यू बेरा पड़ जाएगा तेरी बेबे का भी वार की सास है वार की सास हाँ। तो मैंने देख लिया था ने बुलाया था न्यू करण खातर अब तेरी बेबे ने समझा जा एक बात तो करनी पड़ेगी अनका घर में कोई नॉर्मल आदमी रह नहीं सकता ये है ओहो या देख तेरा ताली नारी बोलना सा इनका बहू आ गई बेटा हो गया इनकी पूरी मैंने और भी आऊंगा इनका मैं नारी बोल रहा हूं न्यारी और न्यारी बोले छे आई से तेरी छोरी कितनी अच्छी बोल रहा है मारी तो अच्छी से अच्छा। कमा के देश है कई डाल को नहीं दूसरे कमाई सब की दार खातर हां कमाई सब की मैं कमाई के बूढ़ा बैठा के कमाई करवाओगे फिर इस पर मुंह संभाल के बात कर लुगाई है ना लुगाई की जात में रह ठीक से मैं लुगाई की जात में रहूं और तेरी बन के मर्द मानस मर्द मानस है जो बाण कमा के लिया और इनका भोबा पर है ठीक है इनका तो लुगाई तो मानस इस तरह तैयारिया अरे क्यों मेरा जीजा लुगाई कमावे ने अपना धनी का साथ देने खातर कमाया करे उसने नीचा दिखाने खातर ना नीचा दिखवाओ है ये ना तो सारे काम ठीक थे अच्छा जिस तरह एक की आज पगड़ी उतर गई ना इनके लत्ते भी तारी है तुमने तारी है ना तन्ना तारी है समान आदमी तो तू अरे झा झा कर लग रहा है तन्ना तारी से तन्ना तारी है के हां अच्छा तेर लिन तो है ना सात मां आसमान पर रखी थी इनकी सात मां आसमान पर थे इनकी वाह वाह करा की थी ये बहु सरकारी नौकरी तेरे घर के भाई बड़ा करना पसंद देते अरे तेरे पर की लुगाई किसी के घर को पसंद दे लुगाई जा तो कर दूसरे के उजाने सोचे तू जब मैं तो आके लुगाई जात में दिखी है कोनी अरे बोल लिया भाई थाना से बोल लिया थाना तो लग गया तने अरे ओलिया के तेरा ठीक है ठग सब के मेरा के है और क्या बार बार कर रहा है तू ओके दूसरा ब्याह मैं करके लुगाई तने असलियत बेरा भी है पार दियाड़ा हमू डांगरा की डाल बेरा वाला हमू को नहीं असलियत मैंने बेरा है तेरे के तीन चार वाली पाऊंगी तीन चार वाली ब्याह पाऊंगी भोग ले ले चुप हो जे अच्छा अच्छा चल कोई नहीं इनकी बतेरी सुन ली एक बार इन्हें बता इसका भी कान खोने चाहिए चाचा चाचा ये किसे किसे नाते से चाचा तने न्यू बेरा है बाबू ना बताओ रहन दे ना बेटा बतान दे अरे बतान दे नहीं ये भ्रम का भांडा फुट को निकल गा मु ये भी तलन चढ़न लाग रहा है ये पैट जाए खुद पाप में रह गए और अन गाला लाग रहे हैं खुद तो दोषी है ये और दोषी छोरी न मान लाग रहे ये पहले तो हम आपस में बापू बेटे बतला लो बतानी है कोनी बतानी ले बात सुने हां मेरे दोस्त की छोरी है यार मेरे दोस्त की तेरा दोस्त ने भी शर्म है कोनी आई हैं बे थे डिगा दी के बात टोटा अटापरा था तेरा दोस्त की उनका सलाम है कोनी लिमिट में तू रह ठीक सुने ओस करना रहने बड़ा हां सुन ले बड़ा घना बड़ा ना बने बड़ा है हूं मैं या सिर्फ तेरी बाण की आंख खोलने खातिर और जो तेरी आंख पर दपड़ रहा ना सिर्फ यो दिखाने खातिर एक नौकरी का घमंड है एक नौकरी जरूरी कोनी आ कर दी घर में सासू ससुरा भी होसे घर के काम भी करके जाए दुनिया में यह एक बहू कोनी आ रही ध्यान बिना की बहू बैठी से जो नौकरी भी लाग रही है और घर का काम भी करे और घर में सासू का लात मार कर से मेरा डूटी पत ले जाओ और जीव जूरी करो वह तो अच्छे है और ये कुछ नहीं बेटा सिखाने खातिर मतलब इनका ब्याह ब्या, ब्या ही ठही है इसका कोई ब्याह को नहीं हो रहा सिर्फ यो एक प्रोपगंडा रचा था सिर्फ तेरी बाण के दिमाग में जो पर्दा पड़ रहा ठीक है मरण ने चले थे तारी दोनों की हरकत का कारण चलो क्या खातिर थे बोलना रहिंद है सा सा बोल सा ये समझ में संदीप तब रहने दे पहले बता दें दे बताना भी इतना बड़ा खेल रचा अपने घर की छोरी का बेरा ना होता सारी बताई ना मैं तेरी कहे उस दिन बताई हैं तू के बोले मेरी बाणे सी वो कोकन थारी कमीज है दोनों आगे के करो मौसा जी इन बेन के बता दी मेरी बेबे नर के नहीं कही हम तूने मम खा मेरी बाण के मेरे तो झूठ बोल दी होगी पर मन बेरा कौन था कि या सच्चे इस घर में काम ना करती पर पैसा का घमंड ले जा अपनी बात ना ना किसी बात करो मैं तो उस टाइम वही इसी बात माँ के नुकू था ले जाऊंगा पर बात यह है गणजा फच मेरा बाप बैठा है वो गलती पे किसी ने कौन छोड़ा हर इसमें गलती मेरी भी है हर मेरी बाण की भी मुझे एक बात बताओ माँ देख दे पाया कौन पड़ेगा मैं इस घर में जाता हूँ तो नहीं लाइज होवे ठीक से तेरे रिश्ता की पर तने तो बैग ही ठा लिया
तू क्यों मेरी गलती आप पड़दा गिरा है? अगर गलती मन ने कर रखी तो मैं पश्चाताप करूंगी ना। और माँ ना चाहिए मना नौकरी, आज के बाद ना तो नौकरी ज्वाइन करूँ ना उड़े जाऊँ ना मैं नौकरी नाम ते वास्ता ना रखूं। आज के बाद जो कमाओगा तेरा बेटा कमाओगा, घर चलाओगा यो चलाओगा, मैं तो अपना घर का काम करूंगी बस। नौकरी नाटक कौन था? नौकरी कर बेटा, पर घर जरूरी है आकर। नौकरी के साथ साथ रिश्ते नहीं बाने जरूरी है बेबे। वो क्या करे, चाहे काम ना करो पर प्यार तो बोल लो एक दुनिया में। इन तो प्यार देवर, ये माँ बाप से है तेरे पाप के हम धर्म के। हाँ हमने बेटी मानी थी, आई सुन बेटा सही। हर कोई बात नहीं, तेरी आंख भाई भी खुल गई बहुत अच्छी बात से। साहब ना बेटा, एक मौका देख बेटा, पहली और आखिरी गलती से आराम से बड़े हम जो फैसला लेंगे ना। अगली गलती कौन मान दी? बेटा गलती मान रखी रे, और क्या मान रही गलती? साहब थम कह तो थारे पाप पकड़ दू, पर एक मौका दे के देख लो। कौन बेटा? ठीक से सालू बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अगर तू घर में आई ना तो देख मारा घर अटके बस गया ना। तो बेटी के होता ये मारी खराब माटी हुई थी बेटी तेरे का। नाना चाचा हर बचपन ता देखते आए हैं तुमने। मेरा बाबू के भाई वर्गा मानना है तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, तारा दुख मसा जाना होगा बेबे। मन माफ।